बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से अब तक 108 मासूमों की मौत। आज श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी साथ। मुजफ्फरपुर में नीतीश को लेकर दिखा लोगों में गुस्सा, नीतीश कुमार वापस जाओ के लगे नारे। नीतीश की मुजफ्फरपुर में मौजूदगी के बीच धारा 144 लागू, गर्मी का दिया जा रहा हवाला। मुजफ्फरपुर आने से पहले अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती समारोह में शामिल हुए सीएम नीतीश, फिर आई मासूमों की याद। मुजफ्फरपुर में अस्पताल में चमकी बुखार से पीड़ित 414 बच्चे भर्ती, बीमारों की तादाद बढ़ने की आशंका। मुजफ्फरपुर पुलिस की तरफ से जारी किए गए निर्देश, चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों को पुलिस की गाड़ी में तुरंत पहुंचाया अस्पताल। बच्चों की मौत पर मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों को भेजा नोटिस, बीजेपी नेता सीपी ठाकुर ने भी उठाया सवाल। राबड़ी देवी का ट्वीट अटैक, लिखा चमकी बुखार के नाम पर हुई बच्चों की हत्या, क्या मुख्यमंत्री जवाबदेही नहीं है, कहां गई प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने किया सीएम नीतीश का बचाव, बोले जांच से पहले किसी को भी दोषी ठहराना गलत। बिहार के सीतामढ़ी में भी चमकी बुखार से 13 मरीज, जिलाधिकारी ने किया अस्पताल का दौरा। मोतिहारी में 37 बच्चे हो चुके हैं चमकी बुखार के शिकार, 12 बच्चों की मौत। सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ कराया केस दर्ज, बीमारी से पहले एक्शन नहीं लेने का आरोप। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की सारी मांगे माने जाने के बाद सुलझा विवाद, डॉक्टर्स ने खत्म की देशव्यापी हड़ताल। दिल्ली के एम्स और सफदरजंग अस्पताल में आज मेडिकल सेवाएं पूरी तरह से बहाल। आज संसद सत्र का दूसरा दिन, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे संसद, बुके के साथ किया गया स्वागत। बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक में कल जेपी नड्डा को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का किया गया था फैसला, पीएम मोदी भी बैठक में थे मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह भी आज संसद पहुंचे, शाह संगठन का चुनाव होने तक संभालेंगे बीजेपी अध्यक्ष का कमान। बीजेपी सांसद ओम बिरला होंगे लोकसभा स्पीकर, आज दाखिल करेंगे नामांकन, निर्विरोध चुने जाने के आसार। कोटा लोकसभा सीट से 2.5 लाख से ज्यादा मतों से जीते थे ओम बिरला, कोटा में उनके आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। संसद में आज भी सांसद ले रहे हैं पद और गोपनीयता की शपथ, गुरदासपुर के सांसद सनी देओल ने ली शपथ। बजट सत्र को लेकर कांग्रेस ने बनाई रणनीति, सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक। संसद में संख्या बल माने नहीं रखता, पीएम मोदी के कल दिए इस बयान पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन का पलटवार। अधीर रंजन ने कहा पार्टी में ही नहीं मानी जाती पीएम की बात, बेहतर होगा बीजेपी करे सलाह पर अमल। 6 जुलाई से बीजेपी दिल्ली में चलाई सदस्यता अभियान, विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति की तैयारी। राहुल के नेतृत्व में करारी शिकस्त के बाद सामने आई सोनिया गांधी की नई तस्वीर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झांसी की रानी वाले अंदाज में पेश किया पोस्टर। 22 जून को अमेठी जाएंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राहुल के विरुद्ध चुनावी जीत के बाद संसदीय क्षेत्र का दूसरा दौरा। पीएम मोदी ने सेहत की दी नई टिप्स, ट्वीट कर सेहतमंद आसन के लाभ बताए, 21 जून को है योग दिवस। यूपी में कैबिनेट की मीटिंग, शिक्षा से लेकर पार्क के बजट को लेकर चर्चा। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों को सीएम कमलनाथ ने किया खारिज, गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात के बाद किया खंडन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान आज एक जवान शहीद, 2 आतंकी ढेर, मारे गए आतंकियों में जैश कमांडर सज्जाद भट्ट भी शामिल। पुलवामा में 14 फरवरी को सीआरपीएफ काफिले पर हुए हमले के बाद से थी सज्जाद भट्ट की तलाश। सीआरपीएफ काफिले पर हमले में आतंकी सज्जाद भट्ट की गाड़ी का हुआ था इस्तेमाल, धमाके में शहीद हुए थे 40 जवान। 24 घंटे के अंदर आतंकियों से दूसरी बार हुई मुठभेड़, कल मारा गया था एक आतंकी। अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान कल शहीद हुए थे मेजर केतन शर्मा, 3 जवान हुए थे घायल। मेरठ के रहने वाले थे शहीद मेजर केतन शर्मा, अंतिम दर्शन प्रतीक्षा में इलाका। पुलवामा में कल हुए आईजी धमाके में 2 जवान शहीद, 44 राष्ट्रीय राइफल की गाड़ी पर हुआ था हमला, 9 घायल जवानों में से आज 2 की अस्पताल में मौत। कश्मीर में आतंकी हमले की नेपाल में रची जा रही साजिश, खुफिया सूत्रों के मुताबिक नेपाल में जुटे आतंकी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक नेपाल में जुटे आतंकियों के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ, कुछ कश्मीरी आतंकी भी गए थे नेपाल। इस साल मार्च और अप्रैल में 2 कश्मीरी आतंकी नेपाल गए थे हिजबुल के टॉप कमांडर्स, मुलाकात के बाद 3 और आतंकियों के साथ लौटे कश्मीर।
दिल्ली मुखर्जी नगर में ऑटो चालक की पिटाई और पुलिस पर हमले के केस में क्रॉस एफआईआर दर्ज। ऑटो चालक ने एसआई पर किया था कृपाण से हमला। दिल्ली में ऑटो ड्राइवर की पिटाई के वीडियो पर बड़ा बवाल। मुखर्जी नगर थाने में देर रात तक हंगामा। घटना के विरोध पर सिख समुदाय के प्रतिनिधिमंडल की पुलिस से मुलाकात। ड्राइवर सरबजीत के खिलाफ केस हटाने की मांग। वीडियो में दिख रहे सभी पुलिस वाले को सस्पेंड करने की मांग। अभी तक 3 पुलिस वालों को किया गया है निलंबित। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भी पहुंचे थे मौके पर। बेकाबू भीड़ ने की धक्का मुक्की। पश्चिम बंगाल में अब ममता सरकार बना शिक्षकों की लड़ाई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस का लाठीचार्ज। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर 12 जून से धरने पर है शिक्षक। शिक्षा मंत्री से मुलाकात की कोशिश के दौरान झड़प। वर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई और टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़। 10 लोग हिरासत में। पश्चिम बंगाल के काकीनाड़ा में देसी बम से हमला। 2 जख्मी। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। अमरावती में बीएसपी के प्रभारी नेताओं की बैठक के दौरान पिटाई। कार्यकर्ताओं ने टिकटों की दलाली का लगाया आरोप। बिहार में गर्मी और लू बनी जानलेवा। अब तक 78 लोगों की मौत। गर्मी की वजह से पूरे राज्य में 22 जून तक स्कूल बंद। सुबह 11 से शाम के 4 बजे तक दुकानों को बंद रखने का आदेश। बिहार में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। अगले 2 दिन मौसम काफी गर्म रहने का अनुमान। हीट स्ट्रोक से हुई मौत से बचे हाहाकार के बीच औरंगाबाद पहुंचे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। लोगों ने दिखाए काले झंडे। औरंगाबाद में लू से 33 लोगों की मौत। गया में भी 30 से ज्यादा मौतें। प्रशासन ने धारा 144 लागू किया। दिल्ली एनसीआर में बादलों से घिरी सुबह। तापमान में गिरावट। देर रात से दिल्ली के कई इलाकों में बरसात। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक ऐसा ही मौसम। आगरा में भी हल्की बारिश और ठंडी हवाएं। गर्मी से मिली राहत। फतेहपुर में तेज आंधी के साथ बारिश। तापमान में 11 डिग्री की गिरावट। देहरादून और आसपास के इलाकों में भारी बारिश। सैलानियों को मिला अच्छे मौसम का तोहफा। हिमाचल के लाहौल स्पीति में पत्थरों और पानी से भरी सड़कों से गुजर रही गाड़ियां। खतरे से भरा सफर। शिमला में बारिश के साथ ओलों की बरसात। मौसम विभाग का अनुमान। बारिश 48 घंटे तक रहेगी जारी। हिमाचल के सोलन में जंगल में लगी आग रिहायशी इलाके तक पहुंची। चारों तरफ धुएं का गुबार। उत्तराखंड के बागेश्वर में राहत लेकर आई बारिश। बुझ गई जंगल की आग। धौलपुर में मूसलाधार बारिश से सड़कें बनी दरिया। गिर गए कई पुराने पेड़। चेन्नई में हैरान करने वाली तस्वीर। ओवरलोड बस पर चढ़े लोग ब्रेक लगने के बाद गिरे। बस डे सेलिब्रेशन के नाम पर बस पर चढ़े थे कॉलेज के छात्र। कई हुए घायल। बाल बाल बचे बाइक सवार। वर्धा में चोरी के शक में 8 साल के मासूम से बर्बरता। तपती फर्श पर लिटाने से बुरी तरह झुलसा। गाजियाबाद में मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। साथी समेत हुआ गिरफ्तार। औली में 20 जुलाई को गुप्ता बंधुओं की शाही शादी में हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट की रोक। पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर 5 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एरा में बदमाश को लगी गोली। दूसरा साथी फरार। यूपी के बस्ती में आग की चपेट में आए 14 घर। दमकल की गाड़ियों के पहुंचने में देरी को लेकर नाराजगी। बस्ती में पटरी के किनारे मिला शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पटना में फर्जी चेक के साथ पकड़ा गया एक शख्स। 4.5 करोड़ से ज्यादा की थी रकम। पटना में ब्रिज के नीचे मिली 25 साल की युवती की लाश। पुलिस कर रही जांच पड़ताल। यूपी के सीतापुर में बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में टैंकर ने मारी टक्कर। 6 लोगों की मौत। लखनऊ में कच्ची शराब के अड्डे पर छापेमारी। 2 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अकोला में पानी सप्लाई करने वाला टैंकर पलटा। कुछ ले जाने से बाइक सवार की मौत। टिहरी गढ़वाल में मौसम खराब होने की वजह से 2 हेलीकॉप्टरों की इमरजेंसी लैंडिंग। आलू के खेत में उतरे हेलीकॉप्टर। केदारनाथ से देहरादून सहस्त्रधारा हेलीपैड के लिए रवाना हुए 2 हेलीकॉप्टर। बादलों की वजह से उड़ान में परेशानी। मध्य प्रदेश के इंदौर में बंधन बैंक के कलेक्शन सेंटर में लूट। 6 लाख लेकर फरार हो गए बदमाश। मथुरा में समोसे की दुकान पर गर्मा गर्मी 1 रुपए की लड़ाई में दुकानदार ने डाल दिया खोलता तेल। मुजफ्फरनगर में पिकअप गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर। 3 बाइक सवारों की मौके पर मौत। फतेहाबाद में पैसे के लेन देन को लेकर युवक की पिटाई। बंधक बनाकर गले में डाली जूतों की माला। 2 गिरफ्तार। बिहार के जहानाबाद में सूख चुके हैं ज्यादातर हैंडपंप। पानी की जबरदस्त किल्लत। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया। 51 गेंद बाकी रहते पीछे छोड़ा 322 रन का टारगेट। बांग्लादेश के शाकिबुल हसन ने खेली नाबाद 124 रन की पारी। चुने गए मैन ऑफ द मैच। बांग्लादेश के लिटन दास ने नाबाद 94 रन बनाए। तमीम इकबाल ने बनाए 48 रन। हार के बाद पाकिस्तान में फूटा फैंस और पूर्व खिलाड़ियों का गुस्सा। शोएब अख्तर ने कहा 10वीं के बच्चे जैसे हैं सरफराज।
पाक से मुकाबले के बाद भारतीय खिलाड़ियों को मिला दो दिन का आराम। बुधवार से अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के लिए करेंगे अभ्यास। कोर्ट में पेशी के दौरान मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी का निधन। मिस्र के सरकारी टेलीविजन ने दी जानकारी। कोर्ट की कार्रवाई के बाद बेहोश होकर गिर गए थे मुर्सी। मुर्सी पर था जासूसी का आरोप। 2013 से थे जेल में। चीन के सिचुआन में रिक्टर स्केल पर 6 तीव्रता वाला भूकंप। 6 लोगों की मौत, 76 घायल। सीरिया के इदलिब में जारी है घमासान। सीरियाई सेना की ओर से किए गए हवाई हमले में 7 नागरिकों की मौत। रूस के कजान में रेस का आयोजन। जापान के पायलट ने मारी बाजी। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।